हेलो दोस्तों, मान किचन पर आप सभी का स्वागत है। बारिश का मौसम आते ही पकौड़े खाने का मन करता है ना, तो चलिए आज बनाते हैं पालक के पत्तों के क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पालक के फ्रेश पत्ते, जिन्हें हमने धो लिया है अच्छे तरीके से और सुखा भी लिया है। अब बनाते हैं बेसन का घोल। एक बोल में 100 ग्राम बेसन डालिए, 50 ग्राम चावल का आटा, थोड़े से चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन एक चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और ज़रूरत अनुसार पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल बना लें। ये घोल कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा है तो थोड़ा पानी और डालें और ढोसे के बैटर की तरह घोल तैयार करें। कढ़ाई में तेल गरम करें। पालक के पत्तों को बेसन के घोल में अच्छे से डुबोकर गर्मा गर्म तेल में डाल दें। एक साथ ज़्यादा पत्ते ना डालें वरना ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। मीडियम फ्लेम पर पलटते हुए इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक तलें और फिर निकाल लें। बस इसी तरह बचे हुए पालक के पत्तों को भी तल लें और हमारे मज़ेदार क्रिस्पी पालक के पत्तों वाले पकोड़े जो हैं वो तैयार हैं। चाय के साथ एंजॉय करिए और किसी भी हाल में मान किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।